तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रासिद और अहम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने सांसद पद की शपथ ले ली है। दोनों पैरोल पर बाहर आए और संसद भवन में शपथ ली। बता दें कि राशिद को शपथ लेने के लिए तिहाड़ जेल से 2 घंटे की पैरोल मिली थी। वहीं 31 साल के अमृतपाल सिंह को 4 दिन के पैरोल मिली है। राशिद को परिवार से मुलाकात के बाद वापस तिहाड़ ले जाया गया। अमृतपाल को भी परिवार से मुलाकात के बाद असम ले जाया जाएगा। बता दें कि राशिद के शपथ ग्रहण के दौरान उसके बेटे असरार राशिद और अबरार राशिद, बेटी और पत्नी भाई खुर्शीद अहमद शेख और 2 अन्य लोग शामिल थे। हालांकि इनके शपथ ग्रहण की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि राशिद ने जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर से बारामूला सीट से 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। अमृतपाल पंजाब ने खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीता है। जेल में रहने के कारण दोनों 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में 24 और 25 जून को अन्य सांसदों के साथ शपथ नहीं ले सके थे और नए सांसद के लिए 60 दिन के अंदर शपथ लेना जरूरी होता है। ऐसा न होने पर उसकी सदस्यता जा सकती है, इसलिए दोनों पैरोल पर बाहर आए और शपथ ग्रहण किया।